काला चश्मा पहना हुआ है और काली सुइया है यहाँ पे। कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये ऊपर में, यहाँ से ये लॉक लगाया हुआ है इन्होंने, इसका मतलब यहाँ से ऊपर कोई नहीं जा सकता। हाँ तो नमस्ते और नी हाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आया हूँ सिम से कासल जो बनाया हुआ है ताइचोंग सिटी में। एक्चुअली सिटी में तो नहीं है, सिटी से थोड़ा दूर है। अभी मैंने अपना मोटर बाइक यहाँ से राइड किया था, तकरीबन 45 मिनट जैसा लग गया था यहाँ पर। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो जो सिनसे कासल है यहाँ पर, जो पूरा जो यूरोपियन जो कॉलोनी होती है ना उस टाइप पे यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन जो बेसिकली मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे दूँ, यहाँ पर जो रूल किया था वो यूरोपियन या ब्रिटिश लोगों ने नहीं किया था, यहाँ पर जो रूल किया था वो जापानीज लोगों ने किया था। बट ये लेकिन जो बनाया हुआ है सिनसे कासल जस्ट एक यूरोपियन एक छवि को दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है इसलिए। तो चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ ये पूरे सिनसे कासल के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की खूबसूरती क्या है और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिलता है, ठीक है? तो आइए चलिए मेरे साथ। तो यार दो दिन पहले 10 तारीख थी और 10 तारीख को था ताइवान का नेशनल डे, ठीक है? तो यार ताइवान के नेशनल डे पे यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई यहाँ पर कि अपने इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने पूरा ट्विटर भर दिया यार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ट्वीट कर करके। और यार जो न्यू दिल्ली में भी जो पोस्टर लगाए गए थे चाइनीज़ एम्बेसी के सामने यहाँ पर, वो बहुत फेमस हुए यहाँ पे, जो पूरे जो लगाए हुए थे ना यहाँ से। देखिए पूरा सिनसे कासल यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है सच में यार। ये प्लेस पे अगर आप आओगे ना तो फोटोग्राफी करोगे ना यार बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए मेरे पीछे आप, ये पूरा जो प्लेस है वो पूरा जो यूरोपियन स्टाइल में है ये पूरा बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो चलिए और नज़दीक चलता हूँ। यहाँ से देखिए ये लोग ने छोटा सा एक झरना बनाया हुआ है वहाँ पर आप लिटरली जा सकते हो, वहाँ पर आप बैठ के या खड़े होकर आप अपनी फ़ोटो भी वहाँ पर खिंचवा सकते हो। तो मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा यहाँ से। तो जो पूरा जो बोलते हैं ना जो एक यूरोपियन लुक दिया हुआ है यहाँ पर, वो एक यूरोपियन लुक दिया हुआ है ताइवान में। यार एक बात है कि अगर आपको जो घूमना है ना पूरा ताइवान, असली ताइवान देखना है ना, तो वो सारा इन्होंने बनाया हुआ है पूरे माउंटेंस में। यहाँ के जितने भी जो माउंटेंस के जो इलाके हैं ना यहाँ पे लोग ने ये पूरा ताइवान इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे अच्छी तरह। पूरे ताइवान के जो टूरिस्ट प्लेस है ना वो पूरे यहाँ पे ये लोग ने बनाए हुए है। कि सिटी में तो इतना खास कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बस इमारतें हैं सिटी में, सिर्फ ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, ऑफिस है, स्कूल है और जस्ट रेसिडेंट एरिया है बस, दूसरा और कुछ नहीं है सिटी के अंदर इतना ज़्यादा। छोटे बड़े हैं जो गार्डन है पार्क है बस उतना है। लेकिन यहाँ पर जो असली खूबसूरती आपको दिखनी है ना तो आपको मिलेगी सिर्फ माउंटेन के अंदर ताइवान के अंदर। तो यार जब भी आप ताइवान आते हो ना यार, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा या तो फिर आप एक कार रेंट पे ले लो या तो फिर आप एक मोटर बाइक रेंट पे ले लो। नहीं तो फिर अगर आप जो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ आप करोगे ना तो आपको महंगा तो बहुत पड़ेगा और ऊपर से आपको कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा, क्योंकि अपनी बाइक अपनी कार जैसी कोई मज़ा नहीं होती। जैसे कि आपने रेंट कर ली कार 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए जैसे कि आपने रेंट कर ली कोई भी कार कोई भी चीज़, तो ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पे ताइवान के अंदर किसी भी चीज़ को रेंट कर लेना। इससे क्या आएगा कि आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। देखिए अभी जो मैंने आपको बात की थी जो झरने के बारे में वो यहाँ ये रिया। देखिए ये लोग ने कितना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये लोग ने लकड़ी का एक पुल जैसा बनाया हुआ है ताकि आप यहाँ पे आ सकते हो लकड़ी के पुल के ऊपर। ये पूरा देखो और यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी करा सकते हो। देख लो ये पूरा यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा जो झरने है जो मेरे पीछे बह रहा है यहाँ पर, ये देखिए। बाद में वीडियो में डाल दूंगा जो स्लो मोशन का जो शूट है वो पूरा डाल दूंगा यहाँ पर मैं वीडियो में।
हाँ तो यार मैं बात कर रहा था क्या है जो न्यू दिल्ली की, यार जो मैं बात कर रहा था न्यू दिल्ली की, कि भोकाल मचा दिया आप लोगों ने तो ट्विटर के ऊपर। सच में यार पूरा ट्विटर आप लोगों ने तो भर दिया ताइवान नेशनल डे के नाम के ऊपर। ताइवान नेशनल डे, हैप्पी ताइवान नेशनल डे, सही से चलिए चाइना के यहाँ पे। और यहाँ पे फ़र्क भी अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार एक बात तो थी यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था अबाउट ताइवान, अबाउट चाइना की, कि जब से नेशनल डे के पहले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि जो मैंने अपना पहला वीडियो था उसके अंदर भी मैंने बताया है कि जो नेशनल डे था उसके कुछ दिन पहले जब मैं एक वीडियो शूट करने गया था और वो लोकेशन का नाम था मैपल गार्डन, तो आप देख लेना आपने आपने अभी तक देखा ना हो तो वो मेरा मैपल गार्डन का वीडियो, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तब भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि फ़ाइटर जेट जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि बिफोर जो ताइवान का जो नेशनल डे था उसके 10 से 15 दिन पहले ही जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट थे वो बहुत आना चालू हो गए थे। और मैं रह रहा हूँ यहाँ पे ताइचोंग में, तो जो ताइपे के नज़दीक है कि ताइपे यहाँ का कैपिटल है, तो जो ताइपे है उधर पे आने अंदर में आने ये लोग ने चालू कर दिए थे, क्या बोलते जो डॉग फाइट होती है ना यहाँ पर ऐसी, तो यहाँ से क्या वहाँ से चाइनीज एयरक्राफ्ट आते थे, यहाँ से ताइवानीज़ एयरक्राफ्ट ने यहाँ से ताइवानीज़ एयरक्राफ्ट गए ना, बाद में फिर उनकी डॉग फाइट ऐसे इनकी चलती रहती थी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आपको उस तरफ की ओर भी यहाँ से ले चलूँगा, क्योंकि मैं अभी तक आपको उस तरफ की ओर में नहीं ले चला आपको यहाँ से, मैं आपको यहाँ से उस तरफ की ओर भी ले चलूँगा। जो टिकट से की जो सिनसे कासल की, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए जो ये टिकट है यहाँ पर जो सिनसे कासल की, इसका प्राइस है $250 यानी $250 हो गया तकरीबन इंडिया का साढ़े पाँच सौ रुपये तकरीबन हो गया। तो ये साढ़े पाँच सौ रुपये हो गया एक टिकट का। तो जब आप टिकट लेके आओगे तो अनलिमिटेड है, आप यहाँ पर नो टाइम लिमिट है, सुबह के 9 बजे चालू होता है और शाम के 6 बजे तक ख़त्म होता है। लेकिन आपको अगर जो पूरा दिन स्पेंड करना है तब भी आप कर सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खूबसूरत से माउंटेन है। देखिए आप मेरे पीछे यार खूबसूरत माउंटेन बने हुए हैं, ये पूरा यूरोपियन लुक है। बाकी देखो ये सारे एक्चुअली में काफे बने हुए हैं, आपको पता है ये सारे जो बने हुए हैं पूरे काफे बने हुए भी है, ये पूरे काफे हैं। देखो एक उधर भी है, वहाँ पर भी एक काफे है, वहाँ पर मैं आपको बाद में ले चलता हूँगा, वहाँ पर काफे है। अब देखो वो सामने दिख रहा है, वहाँ पे भी आप काफे आएगा, यहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हो, खाना ले सकते हो, कुछ भी जो भी आपको बाय करना है वो आपको यहाँ पे बाय कर सकते हो। और जो ये टिकट है मैंने आपको दिखाया अभी, जो ये टिकट है यहाँ पर, इसके देखिए एक और साइड है यहाँ से, यहाँ की कोई भी शॉप में आप जाओगे, जैसे कि आपने ₹250 की टिकट ली है, लेकिन ये वाउचर आता है $100 का, इसको फाड़ के वापस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 100, तो ये $100 का वाउचर है, वो लोग ये $100 का वाउचर है ये लोग जो फाड़ के फिर यहाँ से वापस ले लेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अपने कई वीडियो में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, किसी भी आप जगह पर जाओगे यहाँ पर ऐसी जो माउंटेन की जगह है वहाँ पर ये लोग ने ये लेक बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो बतख है और ये मच्छियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर ये लोग ने एक मशीन बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से उनका खाना कैसे बाय करते हैं। शायद मेरे पास $10 हो गए या नहीं छुट्टे या है, देखिए ये $10 मैंने लिया यहाँ से और ये यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाला और इसको मैंने ये घुमाया, यहाँ से ये घुमाया और ये आ गया ये मच्छियों का खाना। देखिए यहाँ पर ये मच्छियाँ लोग ने पाली हुई है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये बत्तख है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये जो यहाँ पर जो ये बड़ा सा जो ये लेक बना हुआ है, देखिए आप अंदर शायद देख सकते हो कि नहीं, मेरे पीछे जो मच्छी आई यहाँ पर, तो चलिए मैं इनको फीड करने की यहाँ से कोशिश करता हूँ, शायद खुल ही जाए मेरा से। तो देखिए गाइस, देखिए मैं यहाँ से डालता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मच्छियाँ दिख रही है, शायद आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, ये अंदर दिखी है, मैं डाल रहा हूँ आप देखना ज़रा, देखिए ये पूरी मछलियाँ हैं, यहाँ से आप इनको खाना भी खिला सकते हो। ये तकरीबन मेरे को पड़ा $10 का, $10 यानी तकरीबन हो गए इंडिया के 25 रुपये, 30 या 25 रुपये जितने हो गए यहाँ से, क्योंकि इस डिपेंड्स होता है यार कि भाव कैसा चलता होता है रोज का। ये देखिए आप यहाँ से, ये कितनी सारी कलरफुल रंग बिरंगी पूरी मछलियाँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले पुराने वीडियो में भी बताया था कि आप कहीं भी जाओगे ताइवान में, किसी भी गार्डन में जाओगे, जैसे कि जो कोई गार्डन टाइप लगता है, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा कोई भी एक लेक या कोई भी एक छोटी सी ऐसी एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए मैं अभी आपको आगे की ओर यहाँ से ले चलता हूँगा, तो आगे की ओर हम जाते हैं और देखते हैं आगे की ओर क्या आएगा। और मेरे पास अभी आधा ए पूरा बच चुका है,
ये लोग ने बोला था डक है यहाँ पर, लेकिन डक तो मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मच्छी है, यहाँ पे डक नहीं दिखाई दे रहा यहाँ से। यहाँ से अभी मैं थोड़ी देर खड़ा रहूंगा क्योंकि पीछे से लोग जा रहे हैं, तो उनको रास्ता देने के लिए। यहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं यहाँ पर, उनका जो पूरा टीम है वो आया हुआ है यहाँ पे। मेरे पास जो मच्छी के जो थोड़े बहुत दाने थे वो बच गए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पता नहीं है कि भी नहीं इसके अंदर। देखिए मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे जो बचे थे बस वो मैंने डाल दिए। तो देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पर कहा था जो सिंसे कासल में यहाँ पर आके, यहाँ पर देखिए ये जो पूरी है जो बैठने की जगह है यहाँ पर, ये पूरी जो बैठने की जगह बनाई हुई है लोग ने, और जो ऊपर बनाया हुआ है ये पूरा जो काफे ये लोग ने बनाया हुआ है यहाँ से। हाँ तो गाइस चलिए मैं आपको जो कासल दिखा रहा था अभी तक उसके ऊपर मैं ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर में यहाँ पर है काफ़े कुछ बने हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, सुबह का टाइम है तकरीबन, यहाँ पर बज रहे हैं 10:10 हो रही है, क्योंकि मैं आ गया था यहाँ से बहुत जल्दी आ गया था मैं यहाँ पर। सुबह को मैंने जो ड्राइविंग था मैंने स्टार्ट कर लिया था और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया था। देखिए जो यहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए हैं, आप देखिए मेरे पीछे ये पूरे जो टॉयलेट बने हुए हैं जो मेरे पीछे, और यहाँ पे ये जो सारे बने हुए हैं, सारे जो काफे हैं यहाँ पे, कुछ काफे में देखो ये देखिए अभी भी शायद आप देख सकते हो अंदर में सफाई चल रही है, अभी तक ये ओपन नहीं हुए। तकरीबन 11:30 बजे अभी ये ओपन हो जाएगा, ये जो पूरे काफे हैं सारे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दूसरे कैसल के ऊपर ले चलता हूँ यहाँ से। यहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे। यार वेदर यार बार बार यार कभी सनी हो रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है तब भी कभी बादल आ रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी बादल आ रहा है, कभी गर्मी लग रही है, और हवा चल नहीं रही यहाँ पे। माउंटेन का इलाका है ये, पहली बार देखा तब भी मैंने कि हवा नहीं चल रही यहाँ पे माउंटेन के इलाके में, पहाड़ी इलाके में हवा नहीं चल रही, बोलो अजीब बात है ना। चलिए मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ यहाँ से, यहाँ से दूसरी ओर जो ये दूसरा कैसल बना हुआ है। अभी तो हम गए थे ये इस कैसल में, यहाँ पर ये एक और कैसल बना हुआ है इन्होंने, तो वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पर आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लेस जो यूरोप के टाइप पे बनाया हुआ है, ये देखिए मेरे पीछे, जैसा आपको जैसा यूरोप में होता है ना, जैसे देखिए ये किसी जो सूखी सूखी जो झाड़ियाँ है यहाँ पर, और ये देखिए जो कासल ये लोग ने जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये मेरे पीछे देखिए, ये पूरा ये लोग ने जो यूरोप के टाइप पर ये पूरा बनाया हुआ है ये लोग ने सारा, ये मेरे पीछे और देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा जो ये लोग ने बनाया हुआ है ये जो पूरा यूरोप की तरह यहाँ पर बनाया हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो किला यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए यहाँ से इसमें अंदर जाते हैं, चलिए देखते हैं अंदर जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे से एंटर होना है। ये क्या है, दिख भी नहीं रहा चश्मे में कुछ, तो काला चश्मा पहना हुआ है और काली सीढ़ियाँ यहाँ पे, कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये ऊपर में यहाँ से ये लॉक लगाया हुआ है इन्होंने, इसका मतलब यहाँ से ऊपर को नहीं जा सकता, वापस अब नीचे जाना पड़ेगा। कुछ नहीं बनाया, कुछ खुला खुला वाला नहीं है वहाँ पे,
तो यार चलिए मैं फिर से बाहर आ गया यहाँ से और नीचे की ओर जा रहा हूँ अभी मैं। तो चलिए गाइस बस अभी इतना ही था यहाँ पर, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने 250 रुपये का जो टिकट लिया था ठीक है, उसमें 100 रुपये का वाउचर था, तो उसको तो अभी मैं अभी तो देखता हूँ अभी मैं कि यूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं बाद में। तो अगर जो मैं यूज़ करूँगा तो फिर मैं इसका वीडियो बना दूँगा ठीक है कि कैसे यूज़ करना है। यूज़ में तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट बनी हुई है, जो छोटी 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 शॉपें यहाँ पर जो बनी हुई है, बस वहाँ पर जाके उसका जो टिकट है बस उसको दे देनी है ठीक है। अगर आप 200 रुपये का सामान ले रहे हो तो वो लोग 100 रुपये काट के सिर्फ आपको 100 रुपये पे करना है, या तो सिर्फ आप 100 रुपये का ही सामान ले रहे हो तो आपको फिर कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो सामान आपको फ्री में मिलेगा ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बस इतना ही और ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए मेरे चैनल पर देखिए वीडियो, अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो और अगर आप ताइवान के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तभी आप सब्सक्राइब करिए। और हाँ यार, अगर जो मेरे कोई कंटेंट में जो कोई प्रॉब्लम हो, मेरे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिए। अगर जो मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप मेरे को बता दीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ताइवान के बारे में वो भी आप मेरे को बताइए ठीक है, तो मैं बनाता रहूँगा। क्योंकि देखिए ये यूट्यूब चैनल है जो मेरा एकदम नया चैनल है ठीक है, इस पर मेरे को अभी जैसे मैं सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ ठीक है इसके ऊपर। तो आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे को बता दीजिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और जय जैन।